लोकसभा चुनाव के ठीक बाद आपको आरबीआई बड़ा तोहफा दे सकता है। 6 जून को आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में आरबीआई ब्याज दरों में 1/4% की कमी कर सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी ब्याज दरों में कटौती की वकालत की है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्याज दरों में 1/4% की कमी होनी चाहिए। रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था में सुस्ती को दूर करने के लिए ब्याज दरों में कटौती को जरूरी बताया गया। महंगे कर्ज और ग्लोबल कारणों की वजह से पिछले कुछ दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी देखी जा रही है। इन्वेस्टमेंट की डिमांड घटने के साथ कंजम्पशन ग्रोथ में भी कमी आई है। ऑटोमोबाइल की घरेलू बिक्री, निर्यात और उत्पादन सब में गिरावट हुई है। बिस्किट, साबुन और तेल जैसे FMCG प्रोडक्ट की मांग घट गई है। ये सभी कारण बताने के लिए काफी है कि भारतीय इकोनॉमी इन दिनों मंदी की ओर बढ़ रही है। जानकार मंदी को दूर करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की वकालत कर रहे हैं। आरबीआई ने पिछली 2 बैठकों में ब्याज दरों में कटौती की है। काफी सालों बाद इस साल ऐसा हुआ था कि आरबीआई ने लगातार 2 बार ब्याज दरों में कटौती की हो। फरवरी में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। अप्रैल में भी ब्याज दरों में 1/4% की कमी हुई थी। फिलहाल रेपो रेट 6% पर है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 5.75% है। बैंक जिस ब्याज पर रिजर्व बैंक से कम समय के लिए कर्ज लेते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। मंगलवार को जारी इको रैप रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक सुस्ती के कारण शेयर बाजार में बेचैनी बढ़ी है। रिपोर्ट में मार्च तिमाही के लिए कंपनियों के नतीजों का विश्लेषण भी किया गया है। इसके मुताबिक 384 कंपनियों में से 330 कंपनियों के रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट आई है। टेलीकॉम उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, पेट्रोकेमिकल और कास्टिंग कंपनियां ज्यादा प्रभावित हुई हैं। निर्यात पर निर्भर करने वाली दवा कंपनियों के नतीजे भी कमजोर रहने के आसार हैं। सुस्त होती आर्थिक रफ्तार को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है, लेकिन इस बार रिटेल महंगाई ब्याज दरों में कटौती के बीच में रोड़ा बन सकती है।